अब ध्यान से देखना, जर्नल एंट्रीज टू बी पास एट द टाइम ऑफ डेथ फॉर फॉर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है अभी? डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, कह रहे हैं हम उसको प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं, प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं। तो लेकिन पीएनएल अकाउंट तो बना ही नहीं, पीएनएल अकाउंट तो अभी बना ही नहीं, तो एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी आपने कैलकुलेट करा, पहला स्टेप तो कैलकुलेशन था कि उसका अमाउंट कितना निकला, निकल गया। अब देखें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना ही नहीं, एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय पीएनएल सस्पेंस, बाय पीएनएल सस्पेंस फॉर प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। फिर भी डाउट? अब ध्यान से देखना, बड़े मजेदार पॉइंट, बड़ा मजेदार पॉइंट। ये कब है? व्हेन देयर इज नो चेंज, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डेथ, When there is no change in the profit sharing ratio after death, when there is no change in the profit sharing ratio after death, तब है ये क्या? पीएनएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री। अब ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देर इज अ चेंज, इफ देर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट सर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज ही होगा, 3:2:1 सी डाइट, तो अब 3:2 हो जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? अगर उनका आपस में वही है तो मतलब उस पॉइंट की बात हो रही है कि 3:2:1 था, वन चला गया, कुछ मेंशन नहीं है, तो इनका आपस में 3:2 रहेगा, आपस में चेंज नहीं हुआ, अमंग देमसेल्व्स की बात हो रही है, ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा था 3:2:1 था, 3 चला गया, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, तो जो इम्प्लाइड रेशियो आ रहा था वो नहीं है, कुछ नया है, उस सिनेरियो की बात हो रही है। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब नो चेंज है तो मतलब आपस में नो चेंज है, क्लियर? नो चेंज अमंग themselves, आपस में, आपस में, ठीक है ना, हिंदी टू इंग्लिश। अब ध्यान से देखना मजेदार पॉइंट, इफ देर इज अ चेंज इन पीएसआर, तो ध्यान से देखेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहली एंट्री तो वही होगी, क्या होगी? पीएनएल सस्पेंस डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री ये होगी। अब ध्यान से देखना, तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, मतलब पार्टनरशिप, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मतलब वो आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं, वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो ये जो ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, फिक्टिशियस एसेट है ये, तो वो इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, वो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर तो नहीं कर रहे होते रिकॉन्स्टिट्यूट, कह रहे चलने देना बिजनेस, साल के एंड में देखेंगे क्या करना है, तो वो तब होता अगर कुछ रेशियो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब वो अपना एग्रीमेंट अमेंड कर रहे हैं, वो बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, तो
बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, तो ये जो पीएनएल सस्पेंस, एक फिक्टिशियस एसेट, एक इमेजिनरी अकाउंट, आपने एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया है, इसको क्लोज किया जाएगा, इसको क्लोज किया जाएगा। हमने डिसीज पार्टनर को शेयर दे दिया, हमने डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया, अभी फर्म के प्रॉफिट्स कैलकुलेट नहीं हुए हैं, यस और नो? तो लेकिन अभी फिर एक टेम्पररी लॉस क्रिएट हो गया ना, जो जिसकी डेथ हुई हमने उसको उसका शेयर दे दिया, तो फर्म के लिए लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे, बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस रेशियो में बेयर करेंगे? अपने गेनिंग रेशियो। तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो जब गेनिंग पार्टनर लिखा है तो वो इम्प्लाइड है कि वो किस रेशियो में है, गेनिंग रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन क्या होगी? बैलेंस ऑफ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट रिटन ऑफ अमंग द गेनिंग पार्टनर्स, अमंग द गेनिंग पार्टनर्स। कोई डाउट? तो यहाँ तो आप ये दोनों एंट्रीज पास करेंगे, और ऑल्टरनेटिवली एक सिंगल एंट्री पास हो सकती है ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि क्या हुआ, पीएनएल सस्पेंस डेबिट हुआ, पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट हुआ, वो तो सेट ऑफ हो गया सेम डे पे। ये सिर्फ और सिर्फ तब ऑप्शन अवेलेबल है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ये रूल ही तभी एप्लीकेबल है ना। तो ऑल्टरनेटिवली अ कंबाइंड एंट्री कैन बी पास्ट, ऑल्टरनेटिवली अ कंबाइंड एंट्री कैन बी पास्ट। तो कंबाइंड एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, विद आउट लॉस के केस में रिवर्स एंट्रीज हो जाएंगी। लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल सस्पेंस, तो लॉस बेयर हुआ है, मतलब जाते जाते लॉस जो था अब आप उससे लॉस ले रहे हो, तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, तो पीएनएल सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो गया। अब आ गए तो वो पैसे किसको, क्योंकि आगे जाके लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, तो अभी उससे अगर उसका शेयर ले लिया तो वो पैसे किसको मिल जाएंगे, पार्टनर्स को, उनके गेनिंग रेशियो, जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसकी एंट्री लॉस में लिखूं, रिवर्स लॉस के केस में क्या होगा, डिसीज पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस, अब पीएनएल सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स में, उसकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स, टू गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग ही है वो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, सब दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि इन केस ऑफ लॉस, तो वो रिवर्स एंट्री है, डिसीज पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस टू गेनिंग पार्टनर, ऑल्टरनेटिवली कंबाइंड एंट्री डिसीज पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। कोई भी डाउट, समझ आई बात? तो सिर्फ रेशियो कैलकुलेशन ही नहीं, जर्नल एंट्री भी समझ आनी चाहिए, बट जर्नल एंट्री चेंज नहीं होगी, वो तो एक फिक्स्ड है, एक बार एंट्री पता चल गई तो वो फिक्स्ड है, चेंज क्या होगा, कैलकुलेशन, ठीक है ना बेटा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा दिमाग कहाँ लगना है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पीएनएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास होगी और आपको उसको क्लोज करने की, राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कह रहे वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन पीएनएल सस्पेंस में बैलेंस छोड़ेंगे नहीं, उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ समाप्त।